हाय गाइस, मैं हूँ वीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज दो वीडियो को कंपेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैंने दोनों वीडियो में आपके साथ में इयरिंग शेयर किया है। एक मैंने बहुत बेसिक इयरिंग शेयर किया था आपके साथ में, जिसमें मैंने स्टड को भी स्किप कर दिया था और उसमें हम बजट फ्रेंडली इयरिंग्स बना रहे थे। बट इसमें आज बजट को लेकर हम कुछ भी नहीं बना रहे। आज हम सिर्फ इसमें डिजाइन्स को देख रहे हैं, इसके अच्छे लुक पे हम ध्यान देंगे एंड क्वालिटी पे ध्यान देंगे। क्वालिटी वाइज वो भी काफी अच्छा था, लेकिन सारे कस्टमर का जो बजट होता है वो अलग अलग होता है। किसी को हैवी इयरिंग पसंद आते हैं, किसी को लाइट इयरिंग पसंद आते हैं, किसी को छोटे पसंद आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा भरे हुए इयरिंग पसंद आते हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी में से एक है। अगर आप एग्जीबिशन करने का सोच रहे तो एक तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, आपके पास में 100 तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ऑप्शन बहुत ज्यादा चाहिए, स्पेशली गर्ल्स। वो एक एक डिजाइन पे कभी नहीं टिकेगी। आपको एक डिजाइन बताओगे ना, वो पूछेगी इसमें 10 कलर है क्या एंड 10 डिजाइन है क्या, 10 डिजाइन में ये वाला कलर है क्या। तो आप समझ ही जाओ, हम सब लड़कियां हैं, बनाने वाली भी लड़कियां हैं। तो मैं उसी तरीके से सोचती हूँ कि मेरे एग्जीबिशन में मेरे पास में सब टाइप का कलेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे पता है क्या, काफी सारी चीजें मैं ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने आउटलाइन पे यहाँ पे क्या किया, घुंघरू अटैच किया है, मैंने यहाँ पे बीट्स भी नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि इयरिंग इतना भरा सा लगे कि इसमें खाली कहीं जगह ही ना मिले। इसे गॉडी नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं इसे मतलब सिंपल भी नहीं बनाना चाहती। मैं ऐसा चाहती हूँ कि इस ईयरिंग को मैं एटलीस्ट 300 तक सेल करूँ। अगर किसी अच्छी गैलरी में करें जहाँ पे अच्छी ऑडियंस आती है, बाइंग पब्लिक आती है, जो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आती है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे इस तरीके के डिजाइन्स बनाते हैं। सच बताऊं, ऐसे मेरे इयरिंग्स कभी नहीं रुकते हैं, मतलब कस्टमर को पसंद आ ही जाते हैं, क्योंकि इसमें वो लाइक यू नो, ये लुक वाइज ही ऐसा इतना भरा हुआ सा लगता है, इतना डिजाइनर लगता है, इतनी डिटेलिंग्स ऐड करी हुई थी मैंने, तो ये खाली लगता ही नहीं और कस्टमर से जल्दी से परचेज कर लेता। अब देख सकते हो, अब तो ये बहुत बेसिक सा लग रहा है, लेकिन मैंने सेंटर में ना एक राउंड राउंड चार्म जो है वो यहाँ पे चिपका दिया, जिससे लुक देखो एकदम चेंज हो गया। अब आप बताओ, मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके से इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये इयरिंग कैसा लगा। सच बता रही हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड अगर आपने ये इयरिंग अपने एग्जीबिशन में रख लिया ना, तो मैं गारंटी देती हूँ ये रुकेगा नहीं, ये जरूर सेल होगा। अब बात करते हैं बैक फिनिशिंग की। बैक फिनिशिंग के लिए मैं हमेशा अपने सेलिंग के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए वैक्स स्ट्राइप ही प्रेफर करती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू से एंड सेम फैब्रिक के साथ भी आप बैक फिनिशिंग कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।